हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता। फ्रेंड्स, आज मैं नवरात्र स्पेशल एक फलाहार स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, आज हम देखेंगे फलाहारी क्रंची मसाला पीनट बनाने का तरीका। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मूंगफली दाना, ये मैंने कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं, और 1/2 कप कूटू का आटा, और 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून ये हरी मिर्च का पाउडर है, और यदि हरी मिर्च का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काट कर या फिर इसका पेस्ट करके ले सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून लेमन जूस है, और थोड़ा हमें कुकिंग मीडियम या कोई ऑयल चाहिए जिस जो कि हम व्रत में यूज करते हैं। ये एक बाउल ले लेंगे और इसमें ये मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे, और उसके ऊपर ये कूटू का आटा एंड ये लेमन जूस और ये सेंधा नमक और ये हरी मिर्च का पाउडर इस पर डाल देंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये ज्यादा पानी इसमें ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और बस ये मूंगफली के दानों पर आटे की कोटिंग हो जानी चाहिए। इस तरह से इसको रख के छोड़ देंगे, और गैस पर हम कुकिंग ऑयल कढ़ाई में चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हम चेक करेंगे कि ये गर्म हो गया कि नहीं। गई इसमें एक हम मूंगफली का दाना डालकर चेक करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसे हाथ से ही इस तरह से थोड़ा फैलाते हुए इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे। देखिए इस तरह से इसमें दाने डाल देंगे। गैस को अभी फुल पे ही रखेंगे, और थोड़ा सा ये सेट हो जाएंगे तब गैस को लो फ्लेम कर देंगे। अब इसको करछली से थोड़ा पलट देंगे, और इनको थोड़ा दानों को अलग अलग कर देंगे। इस तरह से इनको अलग अलग कर देंगे और फ्लेम लो पे कर देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर इस तरह से सिकने देंगे। बस ये पीनट्स हमारे सिकने पर आ गए हैं, और फ्लेम फुल पे कर इसको थोड़ी देर और उलट पलट कर सेक लेंगे। थोड़ी ब्राउनिश होने पर इनको हम एक प्लेट में किचन टॉवल पर इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारे क्रंची मसाला पीनट रेडी हो गए हैं। इन्हें अब हम सर्व करेंगे, और इन्हें ठंडा होने पर एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखेंगे, और पूरे नवरात्रि में चाय के साथ इस क्रंची मसाला पीनट का आनंद लेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये क्रंची एंड सिंपल फलाहारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करें, और पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय माता की।